सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि रॉय, यू आर वॉचिंग स्काई इज द लिमिट। सो अभी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है सभी के लिए, क्योंकि अभी बोला जा रहा है पूरा जून जुड़े चोलबे लॉकडाउन, मतलब कंप्लीट आपका जून महीना अभी लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस फॉलो किया जाएगा थ्रू आउट द इंडिया। कौन बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ अभी स्काई इज द लिमिट की तरफ से मेरे तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपील भी मैं करना चाहूंगा सभी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स का बेनिफिट के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखना, एंड देखने के बाद डेफिनेटली खुद का बेनिफिट के लिए, सभी स्टूडेंट्स कम्युनिटी का बेनिफिट के लिए वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर मस्ट करना, एंड चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए मैं ला पाऊँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये आजकल पेपर में आया है, कोविड नियम विधि 30 जून पर्यंत मेने चलते निर्देश दिलो स्वराष्ट्र मंत्रक। मतलब कोविड का जो रेस्ट्रिक्शंस है, वेस्ट बंगाल में तो आपको पता है कि 15 जून तक आपका लॉकडाउन किया गया है, मैंने आपको ऑलरेडी कल वीडियो बना के बताया था, पर अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि 30 जून तक आपका यहाँ पे जो MHA है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनकी तरफ से बोला गया है कि 30 जून तक कोविड का सभी रेस्ट्रिक्शंस थ्रू आउट द इंडिया फॉलो करना पड़ेगा। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है, क्या बोला जा रहा है और भी थोड़ा चलिए हम लोग जान लेते हैं। स्वराष्ट्र सचिव अजय भल्ला जानालेन कंटेनमेंट एवं अन्यान्य कड़ा पदक्षेपर फले संक्रमणेर हार निम्नगामी होलेओ एक्टिव रोगीर संख्या एखोनो अनेक आछे, सेई कारणे कंटेनमेंट प्रक्रिया आरो किछुदिन चालिये जावार प्रयोजन। राज्य और केंद्रशासित अंचले कोनो ढिलेमी देखलेई समय मतो व्यवस्था नेयार कथा जानियेछेन भल्ला। রাজ্যগুলিকে অ্যাক্টিভ কোভিড কেস কমাতে কৌশল অবলম্বন করতে বললেন ভল্লা। রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের কোনো জেলায় পজিটিভ রেট 10% বেশি হলে তা দেখতে হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকায় রাজ্যগুলিকে বলা হয়েছে যাতে কন্টেনমেন্ট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখে, মতলব যে আপনার কোভিড রেস্ট্রিকশনস ও ফলো করে। মতলব ইহা পে ক্লিয়ারলি বলা যায় জব তক কোভিড পজিটিভিটি কা রেট 10% সে কম নাই হতা তব তক ইয়ে চলেগা। আর আভি কে লিয়ে ইহা পে ক্লিয়ারলি আপ দেখ সকতে বলা যা রাহা হ্যায় কি কোভিড জো আপকা রেস্ট্রিকশনস হ্যা ইয়ে আপকা 30 জুন তক চলেগা, 30 জুন তক ইয়ে আপকো ফলো করনা পড়েগা। জহা পে ওয়েস্ট বেঙ্গল মে আভি লকডাউন রহেগা 15 জুন তক, আভি কোভিড জো ফলো হ্যায় কোভিড জো রুলস হ্যায় কোভিড জো নর্মস হ্যায় ইয়ে সভি কো 30 जून तक फॉलो करना पड़ेगा, ये क्लियरली MHA के तरफ से बोल दिया गया है। अब चलिए जो रिक्वेस्ट है, मैं जो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस सिचुएशन में सभी स्टेट गवर्नमेंट को, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट को, मैं ये बोलना चाहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को कि इस टाइम के अंदर आप लोग लॉकडाउन एक्सटेंड कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, सभी ठीक है। स्टूडेंट्स का एजुकेशन बहुत ही ज्यादा अभी खराब हो रहा है, स्टूडेंट्स घर बैठे पढ़ नहीं पा रहे, जो मतलब जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंस किया गया है सभी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ दिया जाएगा, डिजिटल डिवाइस, फ़ोन, आइदर लैपटॉप। मैं इस टाइम के अंदर ये भी चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स का फैमिली को थोड़ा अगर पैसा दे के भी हेल्प किया जाए तो भी ये बहुत ही बड़ा एक डिसीजन होगा। डेफिनेटली फ़ोन खरीदने के लिए या फिर लैपटॉप खरीदने के लिए या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए सभी स्टूडेंट्स को, नॉट ओनली 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, सभी को मुझे पर्सनली लगता है कि पैसा देना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस खरीद सके। एंड अलग से अगर कोई भी जो मतलब अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर जो रूरल एरिया में रहते हैं जिनके पास कनेक्टिविटी नहीं है, जिनका मतलब बहुत ही लॉस हुआ इस कोविड के लिए, जिसका हो सकता है मम्मी पापा मतलब डाई हो गया है, डेथ हो गया है मम्मी पापा का, तो डेफिनेटली वो सब स्टूडेंट्स को डेफिनेटली अलग से पैसा देके हेल्प करना चाहिए। एंड उसके साथ मुझे पर्सनली लगता है कि इस टाइम के अंदर जो कोविड जो चल रहा है, इस टाइम के अंदर स्टूडेंट्स का जो लॉस हो रहा है, मुझे पर्सनली लगता है कि स्टूडेंट्स का एजुकेशन के लिए और भी थोड़ा सीरियसनेस सभी गवर्नमेंट को अगर दिखाया जाए, सभी गवर्नमेंट दिखाए, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। स्टूडेंट्स और कुछ नहीं चाहते, स्टूडेंट्स चाहते हैं ऑनलाइन स्टडी हो इस टाइम के अंदर, ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है, पर ऑनलाइन स्टडी के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास फ़ोन नहीं है, ये अगर थोड़ा और भी देखा जाए तो स्टूडेंट्स जहाँ पे गाँव में रहते हैं, कोई अगर यश के लिए प्रॉब्लम हुआ है, किसी का अम्फान के लिए अभी भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं,
हैं, कोविड का तो प्रॉब्लम चल ही रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम के लिए स्टूडेंट्स एंड उनका फैमिली अभी परेशान है। कुछ कुछ जगह पे तो आपका जो जो कॉलेज है, कुछ कुछ कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूँगा, पर कुछ कुछ कॉलेज ऐसा भी है जो कुछ पढ़ा नहीं रहे वो भी फिर से पैसा ले रहे हैं, जहाँ पे खर्चा नहीं हो रहा वहाँ का भी पैसा ले रहे हैं स्टूडेंट से। तो ये सब भी देखना चाहिए स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि इस टाइम के अंदर सभी के पास पैसे की कमी है, मैक्सिमम फैमिली के पास ही पैसे का कमी है। तो ये अगर देखा जाए तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। ये एक अपील है, ये एक रिक्वेस्ट है स्काई इज द लिमिट की तरफ से सभी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप लोग ये रिक्वेस्ट सपोर्ट करते हैं या नहीं डेफिनेटली कमेंट करके बताना, क्योंकि आपको पता है सिर्फ एक ही चैनल है आपका जो स्टूडेंट्स का दुख दर्द समझता है, स्टूडेंट्स के लिए बोलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो डेफिनेटली आप लोग 300 से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर मस्ट करना, ये एक एम मैं आपको दूंगा डेफिनेटली। तो अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।